हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर पवन सिंह और साउथ के सुपरस्टार एक्टर थालापति विजय के बीच कंपेयर। देखेंगे कि कौन है नंबर वन हीरो। तो इसी तरह के कंपेयर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो बर्थ डेट की बात करें तो पवन सिंह का बर्थ डेट 5 जनवरी 1986 है, जबकि थालापति विजय का बर्थ डेट 22 जून 1974 है। एज की बात करें तो पवन सिंह का एज 36 साल है, जबकि थालापति विजय का एज 48 साल है। बर्थ प्लेस की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का बर्थ प्लेस आरा बिहार है, जबकि थालापति विजय का बर्थ प्लेस चेन्नई तमिलनाडु है। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच कुछ पर्सनल कंपेयर और देखेंगे कि कौन है नंबर वन। तो हाइट की बात करें तो पवन सिंह का हाइट 1.68 मीटर है, जबकि थालापति विजय का हाइट 1.78 मीटर है। वेट की बात करें तो पवन सिंह का वेट 80 केजी है, जबकि थालापति विजय का वेट 73 केजी है। फादर नेम की बात करें तो पवन सिंह के फादर के नाम रामाशंकर सिंह है, जबकि थालापति विजय के फादर के नाम एस ए चंद्रशेखर है। चाइल्ड की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का अभी कोई बच्चा नहीं है, जबकि थालापति विजय के एक बेटा और एक बेटी है। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच फी चार्ज का कंपेयर, देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फी चार्ज कौन करता है। फिल्म फीस की बात करें तो पवन सिंह एक फिल्म के लिए 50 से 60 लाख चार्ज करते हैं, जबकि थालापति विजय 8 से 10 करोड़ फी चार्ज करते हैं। स्टेज शो की बात करें तो पवन सिंह एक स्टेज शो के लिए 15 से 18 लाख फी चार्ज करते हैं, जबकि थालापति विजय स्टेज शो नहीं करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में साल 2007 में डेब्यू किया था, जबकि थालापति विजय ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में 1992 में डेब्यू किया था। पावर स्टार पवन सिंह का डेब्यू फिल्म का नाम है रंगली चुनरिया तोहरे नाम, जबकि थालापति विजय का डेब्यू फिल्म का नाम है नालिया थिरेपू। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच टोटल हिट और फ्लॉप फिल्मों का कंपेयर। तो टोटल फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह ने टोटल 82 फिल्में की है, जबकि थालापति विजय ने टोटल 64 फिल्में की हैं। हिट फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह के 28 फिल्में हिट रहे, जबकि थालापति विजय के 14 फिल्में हिट रहे। फ्लॉप फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह के 11 फिल्में फ्लॉप रहे, जबकि थालापति विजय के 12 फिल्में फ्लॉप रहे। एवरेज फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह के 21 फिल्में एवरेज, जबकि थालापति विजय के 13 फिल्में एवरेज रहे। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का कंपेयर। तो सुपर हिट फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह क्या 15 फिल्में सुपर हिट रहे, जबकि थालापति विजय के 10 फिल्में सुपर हिट रहे। ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बात करें तो पवन सिंह के 7 फिल्में ब्लॉकबस्टर, जबकि थालापति विजय के 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहे। पावर स्टार पवन सिंह का सबसे बड़ा फिल्म सत्या है, जबकि थालापति विजय का सबसे बड़ा फिल्म मार्शल है। अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का अपकमिंग फिल्म का नाम है न्यू इंडिया, जबकि थालापति विजय का अपकमिंग फिल्म का नाम है वराइसु। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच टोटल अवार्ड और कुल संपत्ति का कंपेयर। तो अवार्ड की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह को टोटल 25 अवार्ड मिले हैं, जबकि थालापति विजय को टोटल 46 अवार्ड मिले हैं। कुल संपत्ति की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का कुल संपत्ति 180 करोड़ का है, जबकि थालापति विजय का कुल संपत्ति 420 करोड़ का है। मंथली इनकम की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह का मंथली इनकम 50 लाख है, जबकि थालापति विजय का मंथली इनकम 4 करोड़ है। कार कलेक्शन की बात करें तो पावर स्टार पवन सिंह के पास रेंज रोवर कार है, जबकि थालापति विजय के पास रोल्स रॉयस घोस्ट कार है। अब करेंगे पावर स्टार पवन सिंह और थालापति विजय के बीच सोशल मीडिया फ्लोर्स का कंपेयर, देखेंगे कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फ्लोर्स किसके हैं। तो इंस्टाग्राम फ्लोर की बात करें तो पवन सिंह के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फ्लोर्स हैं, जबकि थालापति विजय का इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है।
फेसबुक फॉलोअर की बात करें तो पवन सिंह के फेसबुक पर 3.7 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि विजय के फेसबुक पर 7.8 मिलियन फॉलोअर्स है। वाइफ नेम की बात करें तो पवन सिंह के वाइफ के नाम ज्योति सिंह है, जबकि विजय के वाइफ के नाम संगीता सुलोनी ग्राम है। निक नेम की बात करें तो पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है, जबकि विजय को साउथ इंडस्ट्री का थालापति कहा जाता है।